ओके, ये जो बैग होता है उसके अंदर से हम लोग इस प्लांट को, इसके रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना कैसे बाहर निकाल सके। दो तरीके हैं जो अच्छे वाले हैं। पहला तरीका जो है वो, जैसे कि इस थैली को ऐसे पकड़ो, फिर दो उंगलियों के बीच में ऐसे प्लांट को रखो और फिर थैली को ऐसे उल्टा करो, फिर यहाँ से पकड़ कर ऊपर थोड़ा हिला, तो पूरा निकल आएगा बाहर। फिर इसको वापस सीधा करेंगे तो जो मिट्टी रूट से चिपकी होगी वो रह जाएगी और बाकी की सारी मिट्टियाँ नीचे से गिर जाएगी। तो इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो का पार्ट, फिर रूट्स को ऐसे निकाल के हमें इसे टैप वाटर में धोएंगे तो ये बाकी की जो मिट्टी है वो भी निकल जाएगी। गोइंग टू द टैप वाटर, इसको इस तरह से हम लोग धो सकते हैं। जैसे मिट्टी जो पानी के साथ धो के निकल जा रही है, इस तरह से हम लोग इसको पूरी तरह से धो सकते हैं। धोने के बाद ये रूट को ऐसे दिखेंगे एकदम स्वच्छ ऑन दी रूट। ये था पहला तरीका। और अब दूसरा तरीका ये है कि हमें ब्लेड लेनी होगी, स्कैल्पल लेना होगा, उससे जो है इस बैग को यहाँ से एल शेप में, यहाँ से एक हिस्सा रखना पड़ेगा और एक ऐसा सीधा काट के इसको डायरेक्ट प्लांट को हाथ में लेना है। पहले जैसे पहले तरीके में किया था, इस तरह से इसे बॉल, इस रूट बॉल को, अर्थन बॉल को ऐसे निकाल देना और फिर पहले के जैसे ही, जैसे पहले तरीके से टैप वाटर में धोया था उसी तरह से इसको धो के वॉश करके इसको जो है टिश्यू पेपर में इस तरह से सुखाते हैं। से टिश्यू पेपर के ऊपर इट्स रूट्स को वाटर, उसका जो रूट्स के अंदर जो वाटर लगा है उसे सोक कराएंगे। ये सर ऊपर इसको पोंछने के बाद इस तरह से पोंछा जाएगा। पोंछने के बाद पानी के अंदर डीप करेंगे ताकि जो बची कुची मिट्टी है रूट्स के ऊपर वो सब निकल जाए। इस तरह से हमें पूरा का पूरा जो रूट्स है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट टू सी सम अदर टेक्निक्स देन यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, यू कैन लाइक और शेयर इट। बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।